अब हमारा कुछ कुछ विशेष टॉपिक बचा हुआ है, जैसे आज हम चर्चा करने वाले हैं वह टॉपिक है आरक्षण। किसके बारे में चर्चा करेंगे हम? आरक्षण। किसके आरक्षण? किसके आरक्षण? पक्का? चलो जल्दी से हम चर्चा करते हैं आरक्षण। नंबर एक, पहला जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो कौन सा आरक्षण बात करते हैं? जातिगत। क्या चर्चा करते हैं हम? जातिगत आरक्षण। यही चर्चा करते हैं क्या? याद आ रहा है, सबसे पहले हमारा चर्चा का विषय है जातिगत आरक्षण। किसमें आरक्षण की बात कर रहे हैं? नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत। नगर पालिका अधिनियम 1961 पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को, जिसमें इन दोनों के बारे में प्रावधान है। अब आरक्षण, सबसे पहला कौन सा आरक्षण? जातिगत। तो पहला कंडीशन, एसटी व एससी को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण होगा। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर आरक्षण होगा। ये लाइन समझ में आया? कितने लोगों को नहीं आया ये बताओ? वहां समझ में आया था ना? मान लो जाए धमतरी एक नगर पालिका है, धमतरी नगर पालिका का एक निश्चित जनसंख्या होगा, उस जनसंख्या में यदि 20% लोग अनुसूचित जनजाति हैं, 20% लोग अनुसूचित जनजाति है, तो वहां का जब नगर पालिका परिषद के पार्षदों की जो संख्या होगी उसमें 20% पार्षद क्या होंगे? अनुसूचित जन। अब आपके माइंड में प्रश्न जरूर आएगा या नहीं आना चाहिए? अब अगर 40 वार्ड है, 20% आरक्षित होगा, तो कौन सा वार्ड आरक्षित होगा? एसटी। क्या निकाला जाएगा? लॉट पद्धति। कौन सा पद्धति? उसको क्या कहा जाता है? आरक्षण सूची कैसे जारी की जाती है? लॉट पद्धति के माध्यम से। किस माध्यम से? लॉट पद्धति के माध्यम से। नंबर एक, आपको याद है यह होता है चक्रानुक्रम आधार पर। किसका आधार? चक्रानुक्रम आधार पर। अच्छा, दो वहां कितना पढ़ाया था? यहां है एक। क्या है? एक। मतलब यदि कोई वार्ड इस साल एसटी के लिए आरक्षित था, अगले साल भी हो सकता है। बात समझ में आया ना? हाँ। अब प्रश्न बनता है, सर चक्रानुक्रम, चक्री कहां चला? फिर भी इसको याद रखेंगे, क्या कहा जाता है? चक्रानुक्रम शब्द का प्रयोग है वो। कितने बार होगा चक्रानुक्रम यहां पे? एक। पंचायती राज नगरी निकाय में चक्रानुक्रम कितने बार होगा? दो। यहां है एक बार। अलग से पूरा डब्बा बना के सिखाना पड़ेगा क्या फिर? हाँ, पक्का ना? बताओ किसको सिखाना पड़ेगा, जल्दी बताओ। डर में लोग हानि हो रहे हैं। सिखाना पड़ेगा ना? ठीक बेटा, आप क्या करना, पंचायती राज का वीडियो लेक्चर 11 देखना। मैं हूं वहां पे, क्लास भी वैसी है, बोर्ड भी वैसी है, पेन भी वही है, सब वही है। 2 कॉपी समझ में आएगा वीडियो लेक्चर में कैसा होता है आरक्षण लिस्ट। समझ में आया? चलो, ये बात समझ में आया। चलो, एसटी और एससी को किसके आधार पर आरक्षण? जनसंख्या के आधार। ठीक है कि नहीं है जी? अगर ठीक है यहां तक, अच्छा अगला लिखेंगे फिर, किसको आरक्षण देना है? ओबीसी। किसको देना है? ओबीसी। हाँ, ओबीसी तो इसको हटा दो पहले। ऐसा लिखोगे, यदि एसटी व एससी को आरक्षण क्या है? 50% से कम, 50% से कम, तो 50% से कम तो क्या हो सकता है? तो ओबीसी को क्या? जोर से बोलो, 25%, 25% तक, 25% नहीं, 25% तक आरक्षण दिया जा सकता है। दिया जाएगा, सकता है नहीं, दिया जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब उसी धमतरी की बात करता हूं मैं, उसी धमतरी की बात करता हूं, वहां की पूरी जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? एसटी। एसटी कितना प्रतिशत बोला मैं अभी? 20। एससी कितना प्रतिशत बोल दिया? चलो 15। कितना बोल दिया? 15। दोनों मिलाकर कितने हुए जी? 35। तो डेफिनेटली ओबीसी का नंबर लगा कि नहीं लगा? अब मान लो जाए धमतरी में
बहुत साहु है धमतरी में। अगर मान लो जाए धमतरी में ओबीसी 40% है, कितना परसेंट है 40% ओबीसी, आरक्षण कितना परसेंट रहेगा उनका? मेरा प्रश्न समझ में आया जी? बिल्कुल कंफ्यूज मत हुआ करो भाई। मैं बोला किसी निकाय में, उस निकाय में एसटी कितना प्रतिशत बोल दिया मैं, एसटी कितना प्रतिशत आरक्षित बोल दिया मैं 20, एससी कितना बोल दिया जी 15, मैंने बोला वहां ओबीसी जनसंख्या कितना है 40। अब ओबीसी का आरक्षण का नंबर लगता है कि नहीं पहले बताओ? लगता है। कितना लगेगा? 25% सीट ओबीसी को दिया जाएगा, 40% नहीं देंगे, कितना देंगे 25% तक दिया जाएगा। हां, यदि उसी धमतरी में पूरा जनसंख्या में ओबीसी अगर 10% रहता तो कितना प्रतिशत आरक्षण? 10, कितना दिया जाएगा 10। बात समझ में आया? 5% है 5, 10% है 10, 20% है 20, 25% है तो 25, 30% है तो भी 25, 40 है तो भी 25। बात समझ में आया? पूरा सीट लेकर नहीं बैठ जाना है, समझ में आया? पूरा साहू साहू दिखेंगे वहां। चलो ये क्लियर है? ये मैं ज्यादा बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं भाई, एक ही बात को बार बार बता रहा हूं मैं। ऑलरेडी ये सब चर्चा कर चुके हैं, सीधा लिखवा देना था मेरे को इसको, ठीक है? मिल गया आरक्षण जातिगत। अब किसका नंबर लगा? महिला। अच्छा, आपको मैं जब जनपद जिला और ग्राम पंचायत पढ़ाया था तो याद करो मैंने बोला था यदि किसी पंचायत में यदि अध्यक्ष या सरपंच का पद आरक्षित वर्ग से नहीं है, आरक्षित वर्ग से नहीं है, उस परिस्थिति में उपाध्यक्ष और उप सरपंच का पद आरक्षित वर्ग से होना अनिवार्य है। बोला था? यहां नहीं है। बात समझ में आया? वही बता रहा हूं, याद रखना, वो जो लाइन वहां पढ़े थे यहां नहीं। दोनों चौबे हो जाए, दोनों शर्मा हो जाए, दोनों तिवारी हो जाए, बात समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं। ये बात भी क्लियर है। तीसरा हम बात करते हैं महिला आरक्षण, किसके बारे में बात करेंगे? अगला पॉइंट किसके बारे में है? महिला आरक्षण। चलो भाई हम महिला आरक्षण की बात करते हैं। महिला आरक्षण है 1/3, महिला आरक्षण कितना रहेगा? 1/3, 1/3। वहां पे कितना परसेंट पड़े थे? 1/2। अच्छा, मेरे कहने का मतलब मैं आपको ये बता रहा था, कहीं पे महिला आरक्षण अगर दो लाइन लिखा है, एक 33% लिखा और कहीं पे क्या लिखा है 1/3, किसको सही मानोगे आप? 1/3, एक तिहाई सदस्य महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। तो 2/3, दो तिहाई किसके लिए रहेगा? पक्का ना? महिला और पुरुष दोनों के लिए रहेगा। वहां पे कितना परसेंट था? अच्छा, ये जो आरक्षण की सूची है जातिगत आधार पर होगी दोस्त, किसके आधार पर? जातिगत। अगर एसटी के लिए अगर 10 सीट रिजर्व है तो उसका एक तिहाई सीट महिला होगा, जो मैं बोला वो समझ में आया कि नहीं आया? यदि 6 सीट ओबीसी के लिए रिजर्व है तो उसका एक तिहाई किसके लिए होगा? महिला के लिए, 2 सीट। कितना सीट? 2। जातिगत आधार पर महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया है। बात समझ में आया? इतना ही है। फिर से एक बात बताता हूं, यदि कोई नोट करके एक चीज सुन लो आप लोग, और ये सब आप समझते भी हैं, जैसे मान लो जाए कोई अध्यक्ष का पद आरक्षित वर्ग से था, किस वर्ग से था? आरक्षित वर्ग से, और बाद में ये पद क्या हो गया दोस्त आपका? रिक्त हो गया। पद क्या हो गया आपका? रिक्त हो गया। डेफिनेटली नया अध्यक्ष चुनाया जाएगा तो नया अध्यक्ष भी उसी आरक्षित वर्ग से होगा। हां, यदि पार्षदों में उस आरक्षित वर्ग का कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी सदस्य नहीं है, उस परिस्थिति में वह पद दूसरे आरक्षित वर्ग के लिए होगा। ओपन नहीं कर देना है तुरंत। बात समझ में आया? मान लो जाए अध्यक्ष का पद अभी किसके लिए था? एसटी के लिए था। किसके लिए था? एसटी। हमने अविश्वास प्रस्ताव लाकर इसको हटा दिया, पद से क्या कर दिया हमने? हटा दिया। आप नया अध्यक्ष बनाना है तो डेफिनेटली नया अध्यक्ष भी कौन से वर्ग का ढूंढना है हमको? एसटी। नहीं मिला, एक ही सीट था एसटी का, नहीं मिला। अब नहीं मिला तो अब क्या करना है? अब क्या करना है?
एससी वर्ग, किसको मौका दोगे? एससी। नहीं मिला किसको मौका दोगे? ओबीसी। नहीं मिला तो किसको? महिला। किसका नंबर नहीं लगना चाहिए? जनरल पुरुष, ऐसा मत लिखना ये। तो आरक्षित वर्ग से ही दिया जाएगा, इसको कहा जाता है आरक्षित वर्ग। क्या कहा जाता है? आरक्षित। पहले उसी वर्ग का ढूंढना है। अब 2019 का संशोधन सुनो क्या हुआ। 2019 में एक जबरदस्त प्रावधान किया गया। प्रावधान कैसे था इसको मैं इस परिषद के माध्यम से समझाऊंगा, तभी समझोगे। इधर समझो दी, ये आप लोग को समझ में आता है ना? बार बार मैं शुरुआत से बना बना कर समझा रहा हूं, समझ में आता है ना? इधर ध्यान दो, ये पूरे का पूरा एक नगर पालिका परिषद है। आरक्षण का लिस्ट निकला। काहे का लिस्ट निकला? आरक्षण। ये सीट एसटी के लिए था, ये एससी के लिए था, ये ओबीसी के लिए था, ये जनरल था, ये भी एसटी था। चलो बढ़िया है। अब हुआ क्या, ये जनरल हो गया, ये वाला सीट क्या था आपका? जनरल से था। अब सब लोग चुनाव में जीत कर आए, सब लोग चुनाव में जीत कर आए। अब चुनाव जीतने के बाद निकला है कि यहां पे अध्यक्ष का पद एससी ही हो सकता है। ऐसे लिस्ट निकलता है कि धमतरी नगर पालिका का अध्यक्ष एससी ही बन सकता है या महासमुंद का एसटी ही बन सकता है, ऐसे लिस्ट आता है। अब अध्यक्ष का पद, अध्यक्ष कौन बन सकता है लिखा गया? एससी। पार्षद का चुनाव हो गया, सब जीत कर आ गए, एससी ही बन सकता है। अब नामांकन भरने की बारी आई। काहे भरने की आई? नामांकन। सब पार्षद लोग फिर नामांकन भरते हैं भाई, 10,000, 15,000 और 20,000 नामांकन राशि जमा करते हैं इस समय। फिर दोबारा नामांकन है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनने के लिए, फिर से चुनाव होता है। पार्षद लोग वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे? अभी आप जो प्रावधान है वो ध्यान से सुनेंगे। ये जनरल का सीट है। जनरल मतलब होता है ओपन। जनरल मतलब क्या होता है? ओपन। ये ओपन है, कोई भी वर्ग का चुनाव लड़ सकता है। डेफिनेटली यहां से एससी वर्ग, एसटी, ओबीसी कोई भी चुनाव लड़ दिया। शर्मा भी लड़ दिया, तिवारी, चौबे, सब लड़ दिया चुनाव। अब मेरे कहने का मतलब है, इधर से जीत कौन गया? एससी वर्ग का जीत कौन गया? एससी। तो याद रखेंगे इस अध्यक्ष के निर्वाचन में वो वर्ग का व्यक्ति भी नामांकन फॉर्म भरेगा जो अनारक्षित वार्ड से चुनाव जीत कर आया है। कहां से चुनाव जीत कर आया है? वार्ड तो अनारक्षित था लेकिन वो व्यक्ति तो आरक्षित है ना। व्यक्ति विशेष देखा जाएगा, 2019 से पहले ऐसा नहीं था, 2019 से पहले ऐसा नहीं था। ये फॉर्म नहीं भर सकता था अध्यक्ष चुनाव का, ऐसा नहीं था। वैसे पहले तरीका अलग था लेकिन उपाध्यक्ष में ऐसा प्रावधान था जो मैं बोला, वो समझ में आया। चुनाव ये जीता किस वार्ड से है? अनारक्षित। कौन से वार्ड से है? अनारक्षित वार्ड था, अनारक्षित, रिजर्व नहीं था। लेकिन अध्यक्ष के चुनाव में क्या है? रिजर्वेशन है। किसके लिए रिजर्वेशन है? एससी के लिए। तो ये वाला एससी तो नामांकन दावेदार है ही, बोला गया है ये वाला एससी भी दावेदारी करेगा। भले वो उस वार्ड से जीता है जो ओपन था, तो वो व्यक्ति ओपन नहीं, उसका जाति तो आरक्षित है ना, वो भी क्या भर सकता है? नामांकन। ये प्रावधान अभी 2019 में किया गया है। नोट्स में बराबर इसका चार लाइन में लिख दिया हूं, बात समझ में आया? जिसको नहीं आया एक दूसरे से एक बार डिस्कस करना, फिर भी नहीं आएगा तो मैं तो हूं ही हूं समझाने के लिए, लेकिन आसान था। शांत मन से एक बार समझ के देखना, बिल्कुल समझ में आएगा। मतलब उसको भी प्रायोरिटी दिया जा रहा है जो अनरिजर्व एरिया से भी जीत कर आया है। वो एससी तो हो आप, व्यक्तिगत को देखा जा रहा है। किसको देखा जा रहा है? व्यक्तिगत आधार पर आप क्या हो, इस बात को देखा जा रहा है। बात समझ में आया जी? ये दोनों लाइन समझ में आए कि नहीं? अगर अध्यक्ष का पद आरक्षित और खाली हो गया तो अगला वाला भी उसी वर्ग से होगा जिस वर्ग से वो खाली हुआ है। अगर वैसा कोई नहीं है तो दूसरा आरक्षित वर्ग को मौका दिया जाएगा। और ये वाला भी समझ में आया? ये पूरे का पूरा आरक्षण है। बार बार ये दोनों को, दोनों में अंतर क्या देखने को मिला? 33%। ये वाला तो पूरा वहां वैसे ही था ना, वहां 50%, यहाँ पे कितना प्रतिशत है? 33%। ओवरऑल पंचायती राज नगरी निकाय में एक अंतर समझ में आया होगा, नगरी निकायों में महिलाओं के लिए जो छूट है वो बहुत कम है, उनकी तुलना में कम है। आरक्षण समझ में आया? अब सुनो कार्यकाल। क्या सुनोगे? कार्यकाल। शुरू करूं? और कार्यकाल
कार्यकाल अगर मैं बोलूं कार्यकाल तो आप लोग पढ़ डाले हो, जैसे कि सुनते जाओ। नंबर एक, सिर्फ सुनते जाओ, लिख लेना सब नोट्स में। नंबर एक, नंबर एक पहला पॉइंट क्या है, किसी भी पदाधिकारी का पद, किसी भी पदाधिकारी का पद प्रथम सम्मेलन की तारीख से, प्रथम सम्मेलन की तारीख से कितने दिनों के लिए होगा, 5 वर्ष। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, काउंटिंग कहां से करना है पता है। अगर अगर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है तो कितने दिनों के भीतर, 15 दिनों के भीतर उसका पद भर लिया जाएगा, और वो नव निर्वाचित अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उस परिषद के बचे हुए कार्यकाल के लिए अपने पद पर रहेगा। ये बात भी समझ में आया। तीसरा, अगर पार्षद, किसी पार्षद का पद रिक्त हो जाता है, उस परिस्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग 6 माह के भीतर वहां पे चुनाव संपन्न कराएगा, और वह भी बचे हुए कार्यकाल के लिए ही अपने पद, अपना पद ग्रहण करेगा। यह भी बताया गया है, एक किसी पंचायत का जन नगर पंचायत या नगर पालिका परिषद का कार्यकाल समाप्त होने के 6 माह के भीतर ही, 6 माह के भीतर ही वहां चुनाव संपन्न करा लेना है, चुनाव यहां हो जाना है। ये 5 साल है ना, ये 5 साल है ना, ऐसा नहीं है 5 साल पूरा होने के बाद चुनाव होगा, 5 साल पूरा होने के पहले ही क्या करा लेना है, चुनाव। और आपको पता होना चाहिए अगले कार्यकाल में कौन पार्षद बने हैं। बात समझ में आया जी, पहले ही चुनाव कर, हाँ नहीं हो पाया तो बाद में अलग है, डेफिनेटली अगर चुनाव नहीं हो पाया तो चुनाव बाद में होगा। मान लो जाए चुनाव 1 साल नहीं हुआ दोस्त, 1 साल चुनाव नहीं हुआ, कोरोना बहुत ज्यादा आ गया, तब क्या होगा, इस बीच में कौन काम कर रहे, 5 से 6 कौन काम कर रहे, पूर्ववत जो पहले था उन्हीं लोग अपने कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे। जब तक अगला चुनाव ना हो जाए तब तक वो अपने कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे। अभी हुआ है, अभी हुआ था बिरगांव, बहुत पहले चुनाव हो जाना था, 1.5 साल पहले, नहीं हुआ तो उन्हीं लोग पार्षद, उन्हीं लोग अध्यक्ष, उन्हीं लोग उपाध्यक्ष, माफ करना यहां महापौर है, काम करते रहे। बात समझ में आया, यही कार्यकाल है। पढ़ डाले थे, क्या नया बताया हूं, एक आठ नया बताऊं, वो बाद वाला बताया, पहले नहीं बताया था क्या कभी, ये वाला पंचायत में भी ऐसी होता है, अगर किसी कारणवश चुनाव नहीं हो पाया तो राज्य निर्वाचन आयोग कह दिया मैं अभी चुनाव नहीं कर सकता, उस परिस्थिति में पूर्ववत पंचायत ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेगा। बात समझ में आ गया, चलो और पढ़ो। योग्यता, सदस्यों की योग्यता, क्या क्या योग्यता चाहते हो आप, 2 ठो योग्यता है, 3 ठो है, कितना ठो है, 3। नंबर एक, उस पढ़ा डाला हूं पक्का, चलो और सुन लो। नंबर एक, उसका उस निकाय के मतदाता सूची में क्या हो, मतदाता सूची में नाम दर्ज हो, क्लियर है जी। नंबर दूसरा, और बताओ, 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। नंबर तीसरा, किसी लाभ के पद पर, पक्का ना, लिख डाले हो अयोग्यता। आप लिखते हैं जल्दी से, लिखेंगे क्या है, अयोग्यता, अयोग्यता, वो जो 6 माह वाला लिखे थे ना उसमें थोड़ा संशोधन कर लो, आप संशोधन कर लो यहां पे, ठीक, संशोधन। नंबर एक, किसी को अयोग्य कब घोषित किया जाएगा, मान लो जाए वो अब उनका कोई कर बकाया हो, कर सुनो लिखो मत, उनका कोई कर बकाया हो, कर पटाना रहता है ना, पता चला कोई पार्षद जो है चुनाव तो जीत गया, पार्षद बन भी गया, लेकिन उसको जो घर का टैक्स पटाना है नगर निगम में जाकर, वो भाई साहब वही नहीं पटा रहे, तो दूसरों को से क्या पटाएगा, इसीलिए बोला गया यदि आपका कोई कर बकाया हो, 1 साल तक आप कर नहीं पटाए हो, टैक्स नहीं पटाए हो अपना कोई, तो डेफिनेटली आपको क्या किया जाएगा, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये दोनों में अंतर समझते हो,
उनको पद से हटाया जा सकता है, उनको पद ग्रहण करने से भी रोका जा सकता है और पद ग्रहण करने के बाद भी हटाया जा सकता है। दूसरा, अगर वो भ्रष्टाचार का दोषी हो, भ्रष्टाचार का दोषी हो, मान लो जाए वो भ्रष्टाचार का दोषी हो और दोषी ठहराए या उसको जो भी दंड दिया हो और दंड पूरा किए 5 वर्ष ना हुआ हो, 5 वर्ष ना हुआ हो, भ्रष्टाचार का दोषी हो और वो दंड का प्रावधान पूरा किए, उसको 5 वर्ष नहीं हुए हैं। नंबर तीसरा, किसी न्यायालय द्वारा यदि उसे 2 वर्ष या अधिक का कारावास से दंड किया हो, किससे दंडित किया हो, कारावास से दंडित किया हो, 2 वर्ष है वहां पढ़ाया था ना 6 माह, उसको हटाकर क्या याद रखना है, 2 वर्ष, 2 वर्ष या अधिक कारावास का दोषी हो और वह कारावास पूर्ण किए उनको 6 वर्ष ना हुआ हो, 6 वर्ष ना हुआ हो, इस परिस्थिति में उसको क्या घोषित किया जा सकता है, अयोग्य। ये भी उनके अयोग्यता का एक कारण बन सकता है। अगला है, 2 पॉइंट और याद रखेंगे, कोई सरकारी वकील हो तो भी नहीं बन सकता। नंबर 5वां, महिला अपराध का दोषी हो, महिला अपराध का दोषी हो, इन सब आधारों पर याद रखेंगे आपको उम्मीदवारी करने से भी रोका जा सकता है और यदि आप पार्षद बन भी गए, चुनाव जीत गए और अब पता चला कर नहीं पटा रहे हो, आप कोई महिला अपराध कर रहे हो, इस प्रकार आपके ऊपर कोई, या बाद में आप कोई सरकारी वकील बन गए, आपको आपके पद से हटा दिया जाएगा। पार्षद बनने के बाद भी हटाया जा सकता है, वही कलेक्टर का आदेश आ जाता है हटाने के लिए, ये सब भी उसका कारण बनता है। ये योग्यता है और ये सब क्या है, अयोग्यता। सही मायने में बोलूं, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट करके और बहुत सारे बात बोले गए हैं। एक बात आपको बता देता हूं, अगर कोई संक्रामक कुष्ठ रोग से रोग ग्रसित हो, क्या याद रखेंगे, किसी संक्रामक कुष्ठ रोग से ग्रसित हो, ऐसे परिस्थिति में भी उनको, संक्रामक मतलब समझते हो ना, फैलने वाला, कोरोना हो गया हो, नहीं लिखा है ठीक हो जाएगा, सही बोल रहे हैं, संक्रामक कुष्ठ रोग से ग्रसित हो, इन सब आधारों पर उनको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। बात समझ में आया? रही बात डिस्कशन करने का, राज्य निर्वाचन आयोग में पहले भी बता चुका हूं, ये सब चुनाव कौन कराएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। मैं बात बोलूं राज्य वित्त आयोग, ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं इस निकायों को कितना पैसा भेजा जाना चाहिए, कौन बताएगा, राज्य वित्त आयोग। पढ़ चुके हैं क्या, क्लियर। तो आज हम एक और पढ़े, आरक्षण कार्यकाल, पदाधिकारियों बनने की योग्यता या उनकी अयोग्य, और इस प्रकार 2 निकाय समाप्त। कौन कौन सा निकाय, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत, बचा क्या है, नगर निगम।